आप देख रहे हैं वार्ता 24। भारत प्राकृतिक नजारों का भंडार है। समुद्र किनारे शानदार बीच से लेकर ऊंचे पहाड़, नदी, झरने, घाटियां, रेगिस्तान और यहां तक कि नमक का भी रेगिस्तान है। लेकिन ज्यादातर सैलानी उन जगहों पर ही घूमना पसंद करते हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर होती है। लेकिन कुछ रोमांच पसंद करने वाले सैलानी भारत के हर उस हिस्से को देखने की इच्छा रखते हैं जो ज्यादातर लोगों की नजरों से छुपी हुई है। तो आइए आज वार्ता 24 में हम आपको बताते हैं भारत के कुछ खूबसूरत डेस्टिनेशन के बारे में जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यादगार पल बिता सकते हैं। नंबर एक, चट्टपाल, जम्मू कश्मीर। कश्मीर में यह ऑफबीट डेस्टिनेशन कश्मीर घाटी के शांगस जिले में है। जम्मू और कश्मीर में इस ऑफबीट डेस्टिनेशन पर वो सब कुछ है जो आप अपनी छुट्टियों के लिए चाहते हैं। यह जगह सुंदरता का प्रतीक है। हालांकि बहुत कम लोग इस जगह की यात्रा का उल्लेख करते हैं, इसलिए कम लोगों को इसके बारे में पता है। यहां आप ठंडे पानी के नदी के किनारे और हरे भरे घास के मैदानों का आनंद ले सकते हैं। यह जगह फैमिली ट्रिप या पार्टनर के साथ घूमने के लिए ये एकदम परफेक्ट प्लेस है। नंबर दो, अस्कोट, उत्तराखंड। यह ऑफबीट हिल स्टेशन भारत नेपाल सीमा के पास उत्तराखंड के पूर्व में स्थित है। चूंकि अस्कोट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो अगर आप हिमालय में इस ऑफबीट डेस्टिनेशन को चुनते हैं तो यहां आप हरे भरे देवदार के पेड़ और रोडोडेंड्रॉन वन देख सकते हैं और इस जगह की शांति और खूबसूरती आपको मोहित कर देगी। यह जगह अपने पार्टनर के साथ घूमने के लिए ये एकदम परफेक्ट प्लेस है। नंबर तीन, केम्बरगुंडी, कर्नाटक। जब हिल स्टेशनों की बात आती है तो हम अक्सर दक्षिण भारत के ऊटी और कोडाईकनाल के बारे में सोचते हैं, लेकिन केम्बरगुंडी एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में स्थित है। बैंगलोर से लगभग 270 किलोमीटर दूर यह एक ऐसी जगह है जहां झरने, पहाड़ जैसे शानदार परिदृश्य के बीच आराम करने का मौका मिलेगा। अगर आप दक्षिण भारत के राज्यों में रहते हैं तो यह जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। नंबर चार, कल्पा, हिमाचल प्रदेश। कल्पा उत्तर भारत के उन स्थानों में से एक है जहाँ ऑफ बीट डेस्टिनेशन की कोई कमी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में किन्नौर जिले में कल्पा एक ऐसी जगह है जो गर्मी की छुट्टियों के लिए बहुत अच्छी है। सतलुज नदी घाट का यह शहर सेब के बाग और घने देवदार के जंगलों से घिरा है। हिमाचल प्रदेश के इस शहर के आसपास कई ट्रैक हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। नंबर पांच, तुंगी, महाराष्ट्र। लोनावला और खंडाला की सुंदरता से हम सभी परिचित हैं, लेकिन तुंगी महाराष्ट्र का एक ऐसा ऑफबीट डेस्टिनेशन है जहां के दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। तुंगी पुणे से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तुंगी आराम करने और खुद को रिफ्रेश करने के अलावा पावना झील पर ट्रैकिंग के लिए यह एक अच्छी जगह है। अगर आप भी अपनी समर हॉलिडे प्लान कर रहे हैं तो भारत के इन ऑफबीट डेस्टिनेशंस को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यकीनन आपको बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वार्ता 24। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और सब्सक्राइब कीजिए।